नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। मैं कोर ऑफ सिग्नल्स जयपुर हमारा रिकॉर्ड है और मैं उस टाइम सिग्नल मैन था। मेरी उम्र 23 साल के करीब थी और मेरा नंबर है 6325512 सिग्नल मैन मुलक राज जेतली। हमारी ब्रिगेड थी 95 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड। 3 दिसंबर 1971 को जो है हिंदुस्तान ने, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान में तो उन्होंने अटैक किया था पहले, फिर 3 दिसंबर को हमने भी बांग्लादेश में जो है हम घुसे। तो 3 दिसंबर को पहली पोस्ट हमने ली, उसका नाम था कमालपुर। उनके 160 के करीब और एक कैप्टन बचा था लड़ाई में, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। कमालपुर के बाद नेक्स्ट जो है उनकी छावनी थी बख्शीगंज। बख्शीगंज भी हमने ले लिया। उसके बाद तीस्ता नदी आ गई थी, तो तीस्ता नदी के परले छोर पे तो दुश्मन था, उरले छोर पे हम। अब नदी पार करके हमारी रेजिमेंटें, मराठा रेजिमेंट, 6 बिहार, 14 राज राइफल, ये तो कुछ चली गई, परंतु अब टैंक गुजारने हैं तो उसके लिए जो है 18 घंटे में एक कर्नल गणेश सिंह था इंजीनियर का, उसने वो ब्रह्मपुत्रा पर पुल बना दिया टेम्परेरी और उससे निकल गए। तो हमने वहाँ से उनको दखेड़ा, वहाँ भी हारे। वो लास्ट जो था तंगेल हेडक्वार्टर, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, तो उसमें हमारी पैरा रेजिमेंट जो था वो उतर के, उन्होंने काफ़ी उनके साथ जो है किया था। 3-4 हज़ार पाकिस्तानी मारे गए थे उस अटैक में भी। उसके बाद में हम चले, तो हम 16 दिसंबर को सुबह करायकोर, ये 15 किलोमीटर था ढाका से ओरे, वहाँ जब हम पहुँचे तो 2-2.5 बजे सारा हम इंटरसेप्ट कर रहे थे उसके, क्योंकि हम वायरलेस में हैं, इनके जनरल यहिया खान के, जनरल नियाजी के आपस में आदान प्रदान जो होते थे उनको इंटरसेप्ट हमने कर लिया था। फिर हमें पता लग गया, क्योंकि जनरल यहिया खान ने कहा था कि आप अपने विवेक से काम करो जनरल नियाजी को, और आपको ऐसा महसूस होता है कि हम समर्पण कर दे तो आप कर सकते हो। फिर 2:30 बजे जो है हमें जो है उनका एक आदमी आया, रजाकार था वो, उन्होंने कहा जी हम हथियार हमारी फौज डाल रही है और ये जनरल साहब की चिट्ठी है, वो लेकर। और फिर हम चले सारे, हमें आदेश मिला कि वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में ढाका में आपने पहुँचना है हमारी रेजिमेंट को, हमारी कंपनी थी वो सिग्नल्स की। तो जब हम वहाँ के लिए चले तो हमारे वायरलेस सेट वगैरह सारे बंद कर लिए थे, भाई अब तो लड़ाई है नहीं। और हम चलते हुए जो है, क्योंकि हमारी स्पीड ज़रा कम थी हमारे जीपों के और वन टर्नरों के पीछे जो है वो जनरेटर बंधे हुए थे ट्रालों में, और हम बदकिस्मती से रास्ता भूल गए। जब हम रास्ता भूल गए तो हम उनके कंटोनमेंट एरिया में पहुंच गए। पहली पोस्ट थी उनकी, वहाँ पर जब हम पहुँचे तो उन्होंने हमें दूर से देख लिया, उन्होंने लाइटें ही मारी कि हाँ इंडियन आ रहे हैं ये। उनके 20-25 सिपाही थे, एक सूबेदार जो है उसने स्टेन गन ले रखी थी और उनके पास SLR राइफलें थी। उन्होंने हमें रुक के और राइफलें तान दी और कहा नीचे उतरो। नीचे उतर के हमारे हैंड्स अप करवा लिए उन्होंने। अब हमने सोचा कि ये तो जीती बाजी, अब आज हार जाएंगे हम, हमारी तो कैजुअल्टी हो ही नहीं थी कंपनी की। चलो हम उतर गए। मेरे को ये सूझा कि वो पंजाबी में बात कर रहा था सूबेदार, तो मैंने कहा क्यों ना इससे पंजाबी में बात की जाए, शायद इसको कोई थोड़ा सा हमारे पर वो हो जाए। तो मैंने कहा सूबेदार साहब तुसी पंजाबी लगदे हो मैनू। कहंदा हाँ,
की गल है, कितों दें तू? मैंने बताया मैं ज़िले जंग के रहने वाले हैं। उसने कहा ज़िले जंग का रहने वाला है तू, कितने जमया से? मैंने कहा मैं तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मेरे पूर्वज जो हैं वो जंग ज़िले में रहते थे। उसने पंजाबी में पूछा केड़ा पिंड आई तुहाडा? मैंने कहा रजोया सैदा दा। कहिंदा रजोया सैदा दा? मैंने कहा हाँ जी। कहिंदा उरे आ गया। उसने जवानों को कहा अपनी राइफलें डाउन कर लो, नीचे कर दो। उसने कहा टोपी ला अपनी। मैंने अपनी कैप उतार दी। उसने मुझे देख के कहिंदा ओए तू किहदा पुत्तर है? मैंने कहा जी पहले मास्टर को मुंशी कहते थे, मैं मुंशी करमचंद का लड़का हूँ। कहिंदा ओए तू मुंशी करमचंद दा छोर है? मैंने कहा हाँ जी। तू सरदारी दा भरा है? क्योंकि सरदारी लाल बड़े भाई साहब थे, वो उस टाइम 47 में मैट्रिक में पढ़ते थे, और ये सूबेदार जो है रशीद, ये क्लास फैलो थे आपस में। उसने माथा मेरा देखा, शक्ल देखी, कहिंदा ओए तू सरदारी दा भरा है सच्ची दास? मैंने कहा हाँ जी। कहिंदा वो तो मेरे नाल पढ़ता सी, तेरे प्यो कल तो असी चौथी जमात ताई पढ़े हैं। उसने फिर सबको कह दिया ओए अलग हो जाओ, अब इनसे बात करनी है, पहले तुसी चाह पियो। मैं कह जी चाह नहीं पींदे, सानू तुसी टाइम हो गया तो प्रेजिडेंट हाउस छोड़ सकते हो तो उत्थे छोड़ दियो। उसने कहा देखो मैं तो उत्थे जा असी नहीं जा सकते, क्योंकि ढाका शहर दे विच मुक्ति वाहिनी वाले रजाकारा नू मार रहे ने। रजाकार वो सी जेड़े बिहार तू 47 विच वहाँ पूर्वी बंगाल में चले गए थे, वो पाकिस्तानियों की मदद करते थे, उनको रजाकार कहते थे, वो तो उनको मार रहे थे। कहिंदा भी मैं असी तो जा नहीं सकते, पर हाँ ये गल है तुसी तुहानू मैं 10 दिन अगे चल के चुराए थे राइट साइड के चले जाना, तो जेड़ा एयरपोर्ट है ना ढाका दा, वो तुहाडे कब्जे च है, उत्थों जाके तो तुसी अपने चला जाना। इतने हम 5-6 किलोमीटर पहुँचे ही थे छावनी हटा क्रॉस करके, तो हमारे कैप्टन थे कैप्टन अग्रवाल, हमारे सिग्नल्स कंपनी के वो एडजुटेंट थे, वो हमें 5-4 आदमी ढूंढते हुए आ गए, आ रहे थे। हमें वो मिले, उन्होंने पूछा, हमने बताया, फिर हम गए प्रेसिडेंट हाउस में, तो वहाँ देखा तो माहौल ही ख़राब था, क्योंकि जिसने झंडा उतारा था हमारे कैप्टन बलबीर सिंह ने, उसको पाकिस्तानियों ने कहीं छुपे हुए थे, सारा चेक भी किया था बिल्डिंगों को, पता नहीं कहाँ थे, उन्होंने उसको भ्रष्ट मारा और मार दिया था। फिर हमने पूछा तो कहते हैं कि कोशिश होती है कि जो किसी देश का झंडा उतारे ना उसको मार दिया जाता है, ताकि वो कहने वाला ना हो कि मैंने इस देश का झंडा उतारा था। और जब हम गए दोस्त मिले, हमारी कंपनी में किसी ने खाना नहीं खाया था उस टाइम, खाना बना हुआ था खाया नहीं, उधर वो ट्रेजडी हो गई झंडा उतारने वाले कैप्टन बलबीर सिंह की, इधर हम लेट पहुँचे गुम हो गए, तो उन्होंने खाना नहीं खाया। सुबह 11:30 बजे उनका जो चिता में उनको दे के उनका संस्कार करने के बाद जो है सब ने खाना खाया था। तो ये थी हमारी वहाँ की 16 दिसंबर के बाद। फिर वो 26 दिसंबर को हथियार उनके पास थे, जवानों के पास, इतनी 93,000 फौज के कैसे ले सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका एमिनेशन हथियार लेते थे और उन्हीं के उसमें सील करके हमारी फौज जो है बैठ जाती थी। फिर 26 दिसंबर 1971 को उनकी परेड हुई, जनरल नियाजी ने उनसे सलूट लिया और जनरल नियाजी ने ही हुक्म दिया, उन्होंने कहा भी बोला कोई बात नहीं, एक जवान का लड़ना काम होता है, और जो फौज चतुर
चालाक और जिसके पास पूरा असला और ट्रेनिंग अच्छी होती है हमेशा वो जीतता है। और आज हम हार गए हैं और हिंदुस्तान जीत गया है और हम जो है हमने हथियार डाल दिए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मक्कड़ ट्यूलिप हॉस्पिटल में अपनी ईएनटी की सेवाएं दे रहा हूं। ईएनटी स्पेशलिटी में नाक, कान और गला, इन सब के जो बीमारियां हैं उनको देखा जाता है। इसमें हम नाक, कान, गले की बीमारियां जैसे कान के पर्दे में छेद होना, कान की हड्डी गल जाना, कान से सुनाई ना देना, चक्कर आना, ये सब दिक्कतें हम देख रहे हैं। नाक की दिक्कत, नाक से खून आना या फिर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना, नाक में मांस बढ़ जाना। अगर इस किसी भी दिक्कत से आपको किसी भी चीज़ का ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है, वो ऑपरेशन भी यहाँ पर सब सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।